स्वागत है दोस्तों आप सबका एक और न्यू वीडियो में। तो मेरा नाम रोहित और आप देख रहे हैं RDS गेमिंग। तो आज होने वाला है फ्री फायर का एक और मैच, न्यू मैच जिसे हम लोग खेलने वाले हैं, क्लासिक मैच। तो देखिए, आप देख सकते हैं लॉबी यहाँ पे पूरा बदल चुका है और सारी चीज़ बदल चुके हैं। तो ये इस लॉबी में मेरा फर्स्ट मैच होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा, बहुत लेट हो गया इसे डालने में। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे शुरू करते हैं मैच, और शुरू हो चुका है यहाँ पे मैच। अब देखते हैं बंदा कहाँ पे है, किधर पे है। तो शायद यहाँ पे सारे बंदे मर चुके हैं, मैंने 2 किल भी कर चुका हूँ यहाँ पे। थोड़ा वीडियो कट हो गया, वीडियो है नहीं उसका, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो यहाँ से अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे बंदे मिलेंगे। यहाँ तो बंदे नहीं मिलेंगे क्योंकि सारे बंदे यहाँ से मर चुके हैं। तो हमें अभी मिल चुका है AWM और एक वुड पिकर गन मिल चुका है, तो उसी को लेके हम लोग ऊपर की ओर निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले शॉप में देख लेते हैं क्या चीज़ है, लेके निकलेंगे। तो शॉप में है मेरे पास यहाँ पे 3 टोकन हैं, तो ग्लू वॉल ले सकते हैं, हम ग्लू वॉल को ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ग्लू वॉल लेके हम लोग निकलते हैं ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ हम लोग निकलेंगे क्योंकि सारे बंदे अब ऊपर ही होंगे, क्योंकि यहाँ पे बंदे नहीं होंगे, यहाँ पे सारे बंदे मर चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी फाइटिंग हो चुका है यहाँ पे, अब ऊपर की ओर चलते हैं हम लोग, ऊपर ही सारे बंदे मिलेंगे। तो हम लोग फाइनली ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ पे आते ही एक बंदा मिल चुका है हमें, जिसको धोना पड़ेगा। जिसको धो चुके हैं हम लोग वुड पिकर गन से। वुड पिकर वैसे चलाने में बड़ा मज़ा आता है, एकदम डिस्काउंट ख़त्म कर रहा है। इसके जगह अभी पे नया गन आया, जो भी S80 क्या नाम है यार, AC80, वो गन इसके जगह पे मस्त है। तो वो हम अपन लोग ले सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता है गन मेरे को, मेरे हिसाब से मेरे को वो गन अच्छा लगता है, इससे ज़्यादा बेटर है वो गन, क्योंकि इसका एम है ना वो बैठता नहीं है बंदे पे। अगर जूम करके मारो तो ये एम इधर से उधर होते रहता है, लेकिन उसका है एम उस पर लगते रहेगा, तो इसलिए मुझे वो पसंद पड़ता है। कैच उसको मारने की कोशिश की है लेकिन लगा नहीं, देखते हैं कहाँ गया सारा बंदा। यहाँ पे बंदे हैं तो सही, पीक के ऊपर बंदे रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पे बंदे का दर्शन नहीं हो रहा है, सारे बंदे तुम अभी 25 बंदे बचे हैं, सिर्फ 25 बंदा गया, अभी तक 3 किल हुआ है। यहाँ पे M14 पड़ा हुआ है लेकिन लेंगे नहीं, घटिया गन है, उतना अच्छा गन नहीं है। तो यहाँ पे एक टोकन मिलते हुए हमें, इस टोकन को लेते हैं, एक ही टोकन है। टोकन को लेके फाइनली हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं। तो यहाँ पे एक बंदा नजर आया, इसको खत्म करते हैं, तो ये डाउन हुआ। चलिए पूरा ख़त्म करेंगे इसको, वरना कोई फील उड़ा देगा। तो यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है, और हम लोग अब देखते हैं आगे कहाँ बंदा। बंदा भाई सब मिल नहीं रहा है यहाँ पे, एक भी बंदा नहीं मिला अभी तक, मतलब बंदे मिले हैं लेकिन बहुत कम, इतने कम पीक पे तो रहते नहीं हैं कभी भी। खैर छोड़ो, अभी देखते हैं इधर बंदे मिल जाए, भाग्य का साथ मिल जाए तो बंदे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे बंदे मिले नहीं, तो हम लोग आगे की ओर आ चुके हैं। हम लोग तो यहाँ पे आया जब मैं, तो देखा ये क्या है भाई, अचानक से एकदम बड़ा सा TV लगा हुआ है, और भाई क्या लिख रहा है भाई, डेंजर बना दिया फ्री फायर वाले, हेलो वर्ल्ड, क्या लिख रहा है भाई, इतना बड़ा TV बना दिया, इसके साथ सेल्फी लेते हैं, रुक जाइए। तो भाई 4th एनिवर्सरी आ रहा है जल्दी, तो इसका न्यू अपडेट देखने को आपको मिलेंगे इसमें। 4th एनिवर्सरी में गरीना फ्री फायर वालों ने बहुत सारे ऐसे बंडल हैं जो आपको मिलेंगे फ्री में खेलने के लिए, बहुत बढ़िया बढ़िया बंडल मिलने वाले हैं आपकी बारी। तो 4th एनिवर्सरी बहुत ही जल्द आ सकता है, लगभग वही 15 अगस्त या 18 अगस्त तक आ सकता है।
तो अगर आप लोग को न्यू न्यू बंडल चाहिए तो आप लोग 18 अगस्त या फिर 14 अगस्त, 14 अगस्त को आ जाएगा, 14 अगस्त या फिर 18 अगस्त को आएगा। 14 अगस्त को अगर नहीं आया तो 18 अगस्त को आएगा। तो आप लोग जाके ले सकते हैं बंडल न्यू न्यू एकदम, बहुत ही गजब गजब बोले तो धांसू धांसू बंडल आने वाला है और मिलेगा आप लोगों को देखने को। तो अभी मेरा पार्टनर जा रहा है कहाँ पे, उधर DX पार्थो, क्या क्या नाम रख देता है भाई, पढ़ने भी नहीं आता, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। और यहाँ पे तो बंदे दिख नहीं रहे हैं, सिर्फ 13 बंदे अभी तक बचे हुए हैं। और गाइस अभी तक देखिए हम लोग सिर्फ 4 किल कर पाए हैं हम, क्योंकि यहाँ पे बंदे मिल नहीं रहे हैं, सारे बंदे कोई और मार दे रहा है। हम लोग बैठ के बस यहाँ पे झाल बजा रहे हैं। यहाँ पे मेरा टीममेट नॉक हो चुका है, एक सामने से बंदा आ रहा है, तो इस बंदे को मारने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो इससे मारने की कोशिश, लेकिन इसने ग्लूबल लगा दिया बहुत तेज़ी से। तो ये बंदे को मारने की कोशिश थी, लेकिन इसने ग्लूबल लगा दिया। तब देखते हैं इसको कैसे मारते हैं। नीचे तो नहीं जाएंगे क्योंकि सारे बंदे अभी यहीं पे होंगे, चारों तरफ से आ रहे होंगे इधर ही। और मैं नीचे गया तो मैं समझो गया, ख़त्म, खेल ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ बैठ के इंतज़ार करते हैं। और मेरा टीममेट भी ख़त्म हो चुका है, तीनों से तीनों, और तीनों से तीनों बाहर जा चुके हैं, मतलब कि गए निकल चुके हैं। अब जोन और भी आ रहा है, छोटा हो रहा है जोन, तो सारे बंदे अब इधर को ही आएंगे। तो ही बैठ के इंतज़ार करते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है, किधर से बंदे आते हैं। वो बंदा यहीं पे था लेकिन मारने से बच गया, दूसरा ग्लूवल लगा लिया। भाई अब तो पीछे से भी बंदे आएंगे, नुबड़ा वहीं पे खड़ा है उसी समय से, इसका किल लेना होगा किसी भी हालत में। चलिए जोन ये भी बहुत छोटा हो चुका है, अब बचा आगे कहाँ लगेगा घेरा। अब जहाँ सर्कल बनेगा वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो गाइस अब जल्दी से हम लोग नीचे चलते हैं क्योंकि वार्निंग आ चुकी है और जोन श्रिंक होना चालू हो चुका है, तो इसलिए हमें नीचे जाना होगा अब जल्दी से। अब सिर्फ 4 बंदे बचे हुए हैं, मुझे लेके 5 बंदे बचे हुए हैं। तो उन लोग को अपने में कटरा कुटरी मारपीट करने दो, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मारना है आखिरी बचे हुए बंदे को और बुइया करना है, बात ख़त्म। तो यहाँ पे AWM नहीं, कार 98 पड़ा हुआ था, तो कार 98 नहीं लेते हैं यहाँ पे। और जोन और भी छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। तो यहाँ पे पीछे से पड़ी, नीचे पड़ी पीछे से मेरे को, बंदे यहाँ पे मार रहे हैं, पीछे हैं बंदे, और जोन छोटा होते जा रहा है और बंदा ऊपर से मारते जा रहा है। फिर से पड़ी पड़ी मेरे को पीछे से, इसे मारना ही पड़ेगा। पहले मेडिकिट मार लेते हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ पे लड़ाई हो चुका है, अब सिर्फ अब बचे हुए हैं हम और आखिरी बंदा जिसको मार के हम लोग को बुइया करना है। तो बस अब आखिरी बंदे को मारेंगे और बुइया करेंगे जल्दी से। यहाँ पे मैच ख़त्म करने का टाइम आ चुका है यहाँ पे हम लोग का। तो हम लोग सर्कल के अंदर आ चुके हैं, लेकिन वो बंदा अभी सर्कल के बाहर है, तो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चल के। ये क्या है मेरे पास, तो अब वो आएगा आगे और हम मारेंगे इसको यहाँ से। तो आखिरकार उसे आगे आना ही पड़ा है क्योंकि जोन श्रिंक हो रहा है और आ चुका है बंदा आगे। अब इसको धोते हैं बढ़िया से और बुइया करते हैं। भाई साहब यहाँ पर बुइया हो चुका है। गाइस कैसा लगा मैच कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही।